विश्व को अगर शांति चाहिए तो मानव में क्रांति का होना जरूरी है। क्रांति अर्थात आनंद पूर्वक बदलाव, भाव मानव में ऐसा परिवर्तन आए जो उसमें जड़ता को मिटाकर चैतन्यता जगाए, शवत्व से शिवत्व की ओर बढ़ाए। हमारे मनुष्यों का कथन है, अज्ञान के अंधकार में मनुष्य शव है तो ज्ञान के प्रकाश में शिव, और जब सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान से जागृत शिष्य अनल सदहक उठता है तो उसका संपूर्ण जीवन परिवर्तन की करवट लेता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर, और आत्म जागृति के आलोक से सिंचित प्रत्येक जीवन फिर अपने आप में एक क्रांति दीप बन जाया करता है, जो भटके हुए मानव समाज को सही दिशा दिखाया करता है। यह परम सत्य है कि अध्यात्म ज्ञान की प्राणवायु के बिना हमारी समस्त उपलब्धियां निष्प्राण है, लेकिन अध्यात्म का जब जिक्र छिड़ता है तो आज के मानव की सोच क्या है? ज्ञान, ध्यान, भगवान, इन सब के लिए आज समय ही किसके पास है? बड़ी हास्यास्पद बात है ना कि हम अपने जीवन को खुशनुमा आराम देह बनाने के लिए जितने साधन जुटाते गए उतना अधिक बिजी होते गए, और बिजी के लिए किसी ने अर्थ निकाला है शैतान की गिरफ्त में होना, पकड़ में होना। कहते एक बार की बात है, शैतान ने विश्व भर के दानवों की मीटिंग बुलाई और मुद्दा क्या था? इंसान को भगवान से दूर कैसे किया जाए। सबने कहा मालिक आप ही कोई युक्ति सुझाइए। शैतान ने कहा एक उपाय है, मानव को बिजी नामक बीमारी लगा दो, एक ऐसा भूत चिपका दो। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त हथियार है, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, वीडियो गेम्स, इन सब बाहरी चीजों में इंसान को इतना उलझा दो कि ईश्वर को याद करने का समय ही ना बचे। और आप जानते हो वो अपने कार्य में भरपूर सफल हुआ। आप ही सोचिए, आप अपने जीवन में ईश्वर को एक काम समझकर अपनी टू डू लिस्ट में जोड़ते हैं या फिर हर काम करते हुए ईश्वर से जुड़े रहते हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी का परिणाम है, अध्यात्म ज्ञान के बिना हम अज्ञान के अंधकार में एक अबोध बच्चे की तरह भटकते हुए भय आशा से परिचालित हो रहे हैं। ऐसे समय में समाज को उस ज्ञान की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है जो हमें वासनाओं से मुक्त करा सत्य का दर्शन करवा सके, जो व्यक्ति को पशुता के पंख से निकालकर मनुष्यत्व के मान सरोवर में ला सके, जो समाज को स्वार्थ से उभार कर आत्म स्तर पर श्रद्धा भक्ति की सरस तरंगों में टिका सके, एक ऐसा ज्ञान जो राष्ट्र को ईंट गारे की कारा से मुक्त करा मां के उच्च सिंहासन पर बिठा सके ताकि फिर से गूंज उठे जय जय भारत। और यह किस ज्ञान से संभव होगा? केवल उसी ज्ञान से जिसका उद्घोष भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से किया, ज्ञान दीपेन भास्वता, हे पार्थ मैं अपने भक्तों पर अनुग्रह कर उन्हें वही तत्व ज्ञान योग देता हूं, और उन्हीं के अंतःकरण में स्थित हुआ ज्ञान प्रकाश से उनका अज्ञान अंधकार नष्ट कर देता हूं। बंधुओं, ये प्रभु का उद्घोष भी है और आश्वासन भी है उन मानवों के लिए जो समाज की आज अमानवीय कृत्यों को देखकर मानव के ये कह देते हैं भाई घोर कलयुग चल रहा है। किसी ने खूब कहा, कहते एक सेब गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटी लॉ की खोज कर ली थी, आज इंसान रोज गिर रहा है, कोई इंसानियत की खोज क्यों नहीं करता? ये जो आज कलयुग की चरम सीमा है, ऐसे लग रहा है मानो इंसान ही नहीं भगवान को भी चुनौती दे रही है। और एक कवि ने कलयुग और भगवान के वार्तालाप को बड़ा सुंदर व्यक्त किया है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। कहते कलयुग ने भगवान से क्या कहा, कहते चाहता हूं तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूं मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूं इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूं इस जगत के हर हृदय में छल पले, मैं नहीं रावण की तुम माओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वो कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, मैं जगत का हूं अधिष्ठा तुम मुझे पहचान लो, हर हृदय में वास मेरा बात मेरी मान लो, अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को, मैंने सुना है तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम ही उपवास करते, तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, तुम इन्हीं
इन्हीं कोतार ने मुझी से आकर लड़ रहे थे, अब मनुज की आत्मा तन मन पे मेरा राज है, अब मनुज के हर एक रोम पर मेरा राज है। और काटना है जो मुझे तो पहले इनको काट दो, नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। प्रभु अगर मुझे मिटाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी रचना को नष्ट करना होगा। तो ये सुनकर प्रभु का एक मुखर उद्घोष हुआ। प्रभु ने क्या कहा, मुझको चुनौती देके तू भगवान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है पर ज्ञान होना चाहता है, कली अभी तू कच्चा है, वीर नहीं तू बच्चा है, आओ तुम्हें बतलाता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ, मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ, मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुज हृदय की भक्ति हूँ, आनंद मगन जब होता हूँ तो शिव शंभु कहलाता हूँ, प्रलय का तांडव नृत्य करूँ तो महाकाल हो जाता हूँ, मैं ही महादेव का डमरू, मैं ही वंशीधर का गान, मैं ही परशुराम का वर्षा, मैं ही श्री राम का बाण, तुम रावण के कोलाहल हो और कंस का हाहाकार, मैं सृष्टि का विजय नाद हूँ और भक्त हृदय की जय जयकार, तू भी अनंग मैं भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू खंड खंड मैं हूँ अखंड, मैं शांति रूप मैं ही प्रचंड, मैं निराकार मैं ही साकार, मैं चीतकार मैं ही पुकार, मैं चमत्कार मैं नमस्कार, मैं मोक्षवान मैं धर्मवान, मैं कर्मवान मैं अर्थवान, मैं ज्ञानवान विज्ञानवान, मैं दयावान मैं कृपा निधान, तू पार न मुझसे पाएगा, तू सत्य धर्म के पैरों से धरती पर कुचला जाएगा। ये देख कली का दिल डोला, ये देख कली प्रभु से बोला, हे दयावान तुम पाप हरो, अंतस की काली को हे स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो। हे प्रभु मैं जानता हूं मेरा मिटना अवश्यम भावी है, लेकिन मेरा नाश धीरे धीरे कीजिएगा। और संपूर्ण सृष्टि में केवल सद्गुरु ही है जो ज्ञान के बल पर मानव को उसके आत्म प्रकाश तले उसके मन की कच्ची धातु को देवत्व में परिणत करने का सामर्थ्य रखते हैं। कहते हैं यूं तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए, मानव को सुधारने के लिए बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं कार्यरत रहती हैं, बहुत से साधारण मानव कार्य करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता क्यों नहीं मिल पाती। तो किसी कवि ने कहा है, कहते ये चारा साज कोशिशें मरहम फिजूल है, वाकिफ नहीं है जख्म की गहराइयों से हम। कहने का भाव, जख्म की गहराई को जाने बिना उसके ऊपर मरहम लगा देने से जख्म भरने वाला नहीं है, उसके लिए उपचार करना चाहते हैं तो गहराई को समझना होगा। सद्गुरु जानते हैं मानव की समस्याओं की मूल जड़ उसका मन है, और गुरु क्या करते हैं, मन के स्तर पर कार्य करते हैं, और गुरु की पहुंच सूक्ष्म विचारों से युक्त मन पर होती है, वो ज्ञान के बल पर ये कार्य करते हैं, जो ज्ञान देते हैं उसके बल पर जब उसका अंतःकरण प्रकाशित होता है तो शिष्य भर्गो ज्योति का निरंतर ध्यान करता है, और जिसका ध्यान करने से उनकी मन की भूमि से सद्गुणों की फसल लहलहाती है, वो अपनी चेतना को जागृत कर पाता है, अपने दिव्य गुणों को जागृत कर पाता है और श्रेष्ठ मानव बन जाया करता है। और इतिहास साक्षी है श्रेष्ठ मानवों का निर्माण सदैव सद्गुरु के हस्तले होता आया है। कहते सद्गुरु ही है जो अपने ज्ञान को समाज में बांटकर एक परिवर्तन की क्रांति लेकर आते हैं, और ये आज के युग का परम सौभाग्य है कि नवयुग सृजेता युग पुरुष का व्यक्तित्व प्रखर ज्ञान तप साधना से परिपूर्ण व्यक्तित्व क्रांति दीप बनकर आज संपूर्ण विश्व को ज्ञान के उजाले बांट रहा है। आपको बता देना चाहेंगे, इस युग पुरुष के इस धरा पर आगमन से पहले समाज में भय आतंक का पसारा था, अज्ञानता का तांडव चहुं दिशा में हो रहा था, अज्ञानता का अंधकार हर मानव मन पर साम्राज्य जमाए हुए सदियों से निश्चिंत होकर राज्य कर रहा था, मानो उसका अट्टहास था, भला मुझे कौन मिटा सकता है। तो इस चुनौती को स्वीकार किया उस महान युग पुरुष ने, मानव के मन की देहरी पर ज्ञान का दीप धरा, और इस ज्ञान प्रकाश का जब उसने समाचार पाया तो अज्ञानता का राक्षस घबराया, उसने अज्ञानी मानव मन को माध्यम बनाकर हुंकार भरते हुए कहा, कौन है जिसने प्रलय अंधकार में रात में चुनौती देने का विद्रोह मन में लाया, कौन है जिसने ज्ञान के दिए जलाकर उजालों में क्रांति का बिगुल बजाया, तो वो कोई और नहीं दुर्लभ युग परवर्तक दिव्य व्यक्तित्व परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने इस धरा धाम पर आकर एक परिवर्तन की क्रांति लाई।
जिनके लिए भक्तों के हृदय ने कहा, तुम शुद्ध सत्य असुर आराती पर, तुम प्रज्वलित शिखा अंधकार की छाती पर उतरे वहवल मानवता को पावन करने, करुणा की गंगा जल से मंगल घट भरने। और ये क्रांति दीप जब प्रज्वलित हुआ, जब समाज में परिवर्तन घटा, तो बहुत सी प्रतिक्रियाएं भी हुई, कहीं तिरस्कार, कहीं इनकार, तो कहीं स्वीकार, लेकिन कोई भी इसके जज्बों की लौ को मध्यम नहीं कर पाया। ये आज भी निरंतर जलते हुए समाज को सही दिशा दिखा रहा है। मानव के साथ एक विडंबना है, जानते हो क्या, वो राष्ट्र में, समाज में, परिवार में, यहां तक कि स्वयं अपने आप में एक परिवर्तन की क्रांति तो चाहता है, लेकिन किसी क्रांति का हिस्सा नहीं बनना चाहता, किसी क्रांति के लिए नेतृत्व करने के लिए आगे नहीं आना चाहता। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर समाज को स्वर्ग बनाना है तो एक एक मानव को देवतुल्य बनने की अहम भूमिका को निभाना ही होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और यही समय है निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर श्रेष्ठ आचरण को धारण करते हुए समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम इस आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बने। याद रखें, ये वो क्रांति है जो महान चिंतक के सतत चिंतन से जन्मी, उनके निस्वार्थ समर्पण से पल्वित एवं पोषित हुई है। ये क्रांति विशेष है क्योंकि इसके पुरोधा विशेषाति विशेष है। वो उस क्रांति के पुरोधा है जहां पर मानव को मानव से तोड़ा नहीं, बंधुत्व सूत्र से जोड़ा जाता है, जहां श्रेष्ठ समाज के स्वप्न पलते हैं, जहां पर मनों में प्रेम सौहार्द के पुष्प खिला करते हैं। और ये वो क्रांति है जो विश्व में किसी भूमि के टुकड़े पर काम नहीं कर रही, ये मानव मन को परिवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है। और इस क्रांति के उजागर कोई नेता नहीं, समस्त प्रेरणाओं के महापुंज दिव्य युग प्रणेता सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। और इस क्रांति दीप के प्रकाश पुंज उजालों को पाकर आज परिवर्तन की ज्योतियां संसार के चप्पे चप्पे पर जगमगा रही है। मानो समाज में इस मानव को संकेत कर रही है, संदेश दे रही है, क्यों अंधेरों में पल रहा है वो देख, सद्गुरु क्रांति दीप बनकर जल रहा है, सद्गुरु क्रांति दीप बनकर जल रहा है। अपने कदमों को आगे बढ़ाओ और जीवन में लाभ उठाओ। तो चलिए एक ऐसी ही प्रेरणा को एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं।